अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज एक नए लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है क्रिमिनल समरी ट्रायल। क्रिमिनल समरी ट्रायल कौन सा होता है, यानी स्पीडी ट्रायल, जल्द फैसला करने का ट्रायल होता है। देखिए, स्पीडी प्रोसीडिंग जो कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है, जो मजिस्ट्रेट करता है, जिसको एम्पावर किया जाता है, गवर्नमेंट जिसको एम्पावर करती है, उसका मकसद होता है कि उसमें जो है वो बाउंड नहीं होता कि वो जो प्रोसीजर है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करने का लिए वो बाउंड नहीं होता, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाए। और जजमेंट नेसेसरी होती है, रिकॉर्ड ऑफ सच केस, इस केस के लिए जजमेंट दी जाती है और जजमेंट देना जरूरी होती है। और इसके अलावा अपील के, ज्यादातर अपील के राइट भी इस तरह के डिसीजन में, इस तरह के जजमेंट में जो समरी करे क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत होती है, तो उसमें आमतौर पर अपील का भी राइट नहीं होता। और इसके अलावा ये भी है, ज्यादातर ये है कि एक्यूज नॉट प्रोवाइडेड फॉर डिफेंड करने के लिए उसको ये नहीं किया जाता कि उसको कोई एडवोकेट मुहैया किया जाए डिफेंस के लिए। जब सूबाई हुकूमत किसी भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एम्पावर करती है कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग ट्रायल करें, तो उस सूरत में उसके पास जो पावर्स आ जाती हैं, तो उसके साथ वो ये प्रोसीडिंग, समरी प्रोसीडिंग चलती है। अब कौन से केसेस में समरी ट्रायल हो सकती है, उसमें याद रखें, सजाए मौत के अलावा वो केसेस जिसकी सजा 6 महीने से एक्सीड ना करती हो, यानी 6 महीने तक जिनकी सजा हो, ऐसे केसों में समरी प्रोसीडिंग के लिए मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया जा सकता है। देखिए, अंडर सेक्शन 265 और 266 के तहत जो पैमाइश और वजन के औजार हैं, उस हवाले से जो केसेस होते हैं, और इसके अलावा जख्मी करने के जो केसेस होते हैं, चोरी करने के केसेस, जैसे 379 है, जैसे 381 है, और जिसकी वैल्यू 2000 से 5000 के दरमियान होती है, ऐसे केसेस में समरी ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया जाता है। और इसके अलावा चोरी के केसेस जो अंडर सेक्शन 411 के तहत है, जिसकी मालियत 2000 से 5000 के दरमियान मालियत होती है, और चोरी की हुई जायदाद को छुपाना या छुपाने में मदद करना, जिसको अंडर सेक्शन 414, और जिसकी सजा भी 2 से 5 साल के बीच होनी चाहिए। और इसके अलावा मिसचीफ के केसेस हैं जो कि अंडर सेक्शन 427 है, और उसके अलावा हाउस ट्रेसपास के सेक्शन है, यानी 448 है, 451 है, 454 है, 457 है पीपीसी के तहत। और इसके अलावा प्रोवोक है ब्रीच ऑफ पीस के लिए, जो अंडर सेक्शन 504 है, और इसके अलावा क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, अंडर सेक्शन 505 है पीपीसी का, और इसके अलावा दूसरे जो सेक्शन है अंडर सेक्शन 171F है, और इसके अलावा जो है ऐसे सेक्शन जो कि फोर गोइंग अफेंस के हवाले से, ये अटेम्प्ट के हवाले से है, और इसके अलावा वो सेक्शन अंडर सेक्शन 20 है कैपिटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के तहत भी ये केसेस इसी में आते हैं, ये जरायम भी आती है। तो ऐसे केसेस में क्रिमिनल समरी प्रोसीडिंग के लिए सूबाई हुकूमत किसी भी मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है, अपॉइंट तो किया हो तो उसको एम्पावर कर सकती है, और एम्पावर करने के बाद उसके पास अख्तियार होता है कि वो समरी तरीके से प्रोसीडिंग करते हैं, केस का फैसला करें, उसको सजा दे या फिर एक्यूट करें। दिस वाज टुडे लीगल लेक्चर, इसके साथ मुझे इजाजत दे, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।